कैसे निकालते हैं वो सब देखा था। एक नया टॉपिक डालो, कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में CN बोलेंगे इसको। कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनता है तो हमको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सीधी सी बात है, दो चीज़ें होनी चाहिए। अब आयोनाइजेशन स्फेयर के बाहर, मतलब ये जो आयोनाइजेशन स्फेयर है यहाँ पे कुछ हो या ना हो, इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उनको ही बोलता हूँ जो इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर आएंगे। सही है? तो अब मान लो कि अब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर भी मैंने बोला था क्या क्या आते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और इसको छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। लिगेंड के बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि लिगेंड डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी डोनर साइट है, डोनर साइट के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं क्या मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक्चुअली में यही नंबर्स ही होते हैं। जैसे सपोज करो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, अब सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे साइनाइड है, सही है? तो इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाया, तो अगर मैं बोलूँ कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो तुम लोग क्या बोलोगे, सिंपल सा 1। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बन रहा है, एक बन रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 1। यहीं पे अगर दो लिगेंड्स होते और दोनों ये डोनेट करते तो मैं बोलता कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हम लोग क्या बोलते 2। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग मैंने तुमको बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल भी बताए थे जिनके पास दो डोनर साइट होता है, तीन डोनर साइट होता है। दो डोनर साइट का किसी का नाम याद है क्या, जिसके पास दो डोनर साइट है? ऑक्सैलिक एसिड और EN करके एक लिखा था, देखो इथाइलिन डायम। सही है? तो अगर मैं मान लो बोलूँ कि मेरे पास कोई सेंट्रल मेटल एटम है और इससे अटैच है C2O4। C2O4 क्या है? ऑक्सैलिक। ठीक है, देखो ऑक्सैलिक एसिड तो ये चीज है। ठीक है, इसमें से जब मैं H निकाल देता हूँ दोनों, यहाँ से भी H+ निकाल दूंगा और यहाँ से भी H+ निकाल दूंगा, तब मेरे पास क्या बनता है, राइट? इसको हम लोग ऑक्सलेट आयन बोलेंगे। ये पूरा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, और ये क्या, ऑक्सलेट आयन। सही है? कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे सिंगल ये एच निकलेगा ना, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। नहीं, वाटर नहीं बनता, हम लोग खाली इसको आयोनाइज कर रहे हैं ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है और इसके पास, जिसके वजह से वही मैं तुम लोग को बोला था ना कि अब इसके पास दो डोनर साइट हो जाती है, 1 2। तो जब ये सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा तो दो डोनर साइट से बनाएगा, और अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बोलूँगा, 2। सही है? अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा होता है Fe C2O4 2-3, और मैं बोलो इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर तुम लोग बताओ, क्या बोलोगे? पक्का 6 होगा। क्यों? क्योंकि Fe तो एक ही है, बट C2O4 कितने हैं, 3 है, और एक C2O4 कितना बॉन्ड बनाता है कॉम्प्लेक्स, 2 बनाता है, तो ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, 6।
समझा। अब जैसे अगर मान लो मैं लिखता CU और ADTA कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ADTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, 6 डोनर साइट होती है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? समझ में आया डोनर साइट कैसे ये कर रहे हैं हम लोग या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे वेरीफाई कर रहे हैं? तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। बोलो। इसमें अच्छा मेरे को बताओ, पीटी डीएमजी ट्वाइस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? डीएमजी क्या है? डाइमिथाइल ग्लायोक्साइन ना, बाइडोनर बाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 डीएमजी है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। समझा सबको? और कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री भी बता सकते हैं चीजों की। बोलो क्या रहा है? कैसा डिस्टर्बेंस? सबको आ रहा है क्या? ठीक है ना? अभी तो वही मैं बोल रहा था, अगर तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। जैसे देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है इसके। और यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन SP और ज्योमेट्री लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक SP3 और दूसरा DSP2। हाइब्रिडाइजेशन अगर SP3 है तो ये तो अपने को पता ही है, टेट्राहेड्रल होता है। DSP2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, 6 है तो SP3D2 ऑक्टाहेड्रल। वर्नेस थियरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। देखो, ये जो साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वर्नर करके, इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी अल्फ्रेड वर्नर ने की थी, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, पढ़ा है किसी ने? एंटोनी लेवोइजर, ठीक है, साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, इसी वजह से इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। और अल्फ्रेड वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फादर बोला जाता है, क्योंकि इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, राइट। अब सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने ना कुछ रिएक्शन, वो मतलब नॉर्मली कुछ रिएक्शन कर रहा था, किसको लेके? COCl3 और NH3 को लेके, ठीक है। तो जब पहले इसने रिएक्शन देखा, पहला जब ये रिएक्शन हुआ, तो उसने NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स लिए, और 6 मॉलिक्यूल लेने की वजह से इसको एक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिला, CONH3 6, और ये 3 Cl बाहर चले गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ होगा इसके पास, कि यहाँ पे शायद 6 खाली ऑर्बिटल पड़े होंगे, जिसकी वजह से 6 NH3 के आते ही इसने क्या कर दिया होगा, सबने अपने लोन पेयर इसमें डाल दिए होंगे और Cl3 क्या चला गया, बाहर चला गया। ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। तो उसने सोचा कि इसका अमाउंट कुछ कम करके देखते हैं,
तो फिर उसने क्या कर दिया, इसके अमाउंट को कम कर दिया, मतलब 5NH3 रखा और इसको COCl3 ही रहने दिया। जब इसने आगे देखा तो अब ये कंपाउंड कुछ ऐसे हो रहा था, क्योंकि अब इसका जो ये है, इसके पास जो खाली ऑर्बिटल थे वो कितने थे, बाहर वाले ऑर्बिट्स को कंप्लीट करने के लिए या वैकेंट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसने ऐसे रिएक्शन किया तो इसको क्या मिला मालूम है, CO। अब ये NH3 तो अंदर 5 रह गए, लेकिन इसको तो 6 चीज़ें चाहिए थी। तो इस केस में इसने क्या किया मालूम है, एक Cl को भी पकड़ लिया और 2 ही Cl बाहर गए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो कैसे चेंज हो रहा है। थर्ड, जब इसने इसका और अमाउंट कम किया होगा, मतलब जब 4NH3 लिए होंगे, तो इसको क्या रिजल्ट मिला होगा। ठीक है, 2 Cl अंदर और बाकी 1 ही Cl बाहर गया, सही है। फिर इसने अमाउंट और कम कर दिया COCl3, और मान लो अगर 3NH3 कर दूं तो क्या मिलेगा अपने को, CONH3 Cl3, बाहर कुछ बचेगा क्या, नहीं। ठीक है, फाइनली जब इसका पांचवा ऑब्जर्वेशन इसने निकाला COCl3 और 2NH3 का, तो इसको इसके बाद से कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था, मतलब ये चीजें कन्वर्ट ही नहीं हो रही थी। तो इसको यहाँ से एक चीज समझ में आई कि मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जब तक पूरी तरह से फिल नहीं होंगे ना, तब तक ये प्रोडक्ट अपने को नहीं बना के देगा। ठीक है, और ऐसे ही कंपाउंड को उसने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एलिमेंट रिएक्शन कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाते हैं। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, जब तक उसको लिगेंड्स पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक वो पूरा बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके आगे से उसको रिजल्ट मिलने ही बंद हो गए। मतलब इस कोबाल्ट को 6 चीजें चाहिए थी, वो तुम 6 चाहे बाहर से दे दो या खुद ही आजू बाजू से अरेंज कर लेगा। जैसे ही इसके पास चीजें देखो 5 हो गई, इसने कंपाउंड फॉर्मेशन बंद कर दिया। इस वजह से इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। तो ये वर्नर के ऑब्जर्वेशन थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ना दो टाइप की वैलेंसी होती है। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एलिमेंट के पास वैलेंसी होती है, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट या गेन करेगा, उसी को हम लोग या तो वैलेंसी बोलते हैं या तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। बट यहाँ से उसने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं ना, इनके पास दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और उसने ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ये दिया कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका। ये दोनों नंबर आई होप तुम लोग को क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का और कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्क है दोनों में कि सेम है, फर्क है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड के पास जितने भी डोनर साइट होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट हो जाएंगी, सही। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम लोग अलग अलग चीज़ का, कुछ चीज़ों का फिक्स है, कुछ का हम लोग निकाल के करते हैं। तो जब भी इनके आंसर निकालोगे ना, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को इसकी प्राइमरी वैलेंसी और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो बता सकते हो क्या तुम लोग, प्राइमरी वैलेंसी मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में निकालना सिखाया था तुम लोग को। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आज के लेक्चर में हुआ। तो अगर तुम्हारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दो, जैसे वही था CONH3 6 और बाहर Cl3, अब मैं तुमको सामने से बोलता हूँ कि मेरे को इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सेकेंडरी तो 6 हो जाएगी, प्राइमरी, +3। नॉर्मली हम लोग न्यूमेरिक टर्म में बताते हैं, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्या लिखोगे, 3। समझ में आया,
CONH3 4 Cl2 Cl सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी कितनी सेकेंडरी वाली प्राइमरी कितनी हो जाएगी इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ही है दो क्लोरीन यहाँ पे ये तीन ये -3 होगा उस साइड जाएगा तो +3 वही आएगा खाली स्ट्रक्चर देखो अलग अलग दिख रहा है मेरे को बट प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है दोनों की सेम है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लगभग सिमिलर ही है क्लियर हुआ सबको प्राइमरी वैलेंसी क्या है सेकेंडरी वैलेंसी क्या है इसमें नीचे वाले में देखना अब चार लिगेंड्स किसके हैं NH3 के और दो लिगेंड्स किसके हैं क्लोरीन के तो चार ये और ये दो छह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाँ ठीक है तो यहाँ से देखो पूरा वही है पूरा वर्णा थेरी यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल अप्रोच दिया हुआ है उसका कि क्या क्या किया था उसने फिर यहाँ पे देखो वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने तुमको बताया ऐसा ऐसा हुआ फिर देन ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रिएक्शन एंड फाउंड सम कंक्लूजन इन सेंट्रल मेटल एटम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे मैंने तुमको बताया कि इस कंपाउंड के लिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी सेकेंडरी क्या होगी ठीक है थोड़ा सा और भी है ये आगे किस पे मतलब हाँ चेंज हो जाएंगे वो तो जैसे कंपाउंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो क्या होगी फिक्स होगी प्राइमरी वैलेंसीज को अलग अलग नाम है देखो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल या आयनिक वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को भी हम लोग नॉन आयनिक वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं जैसा कि मैंने तुमको बताया प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर नॉन डायरेक्शनल बट ये चौथे पॉइंट से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फिर कैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ये भी देखेंगे फिलहाल मैं लिखो फिर फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करो बोलो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का मतलब क्या देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास कितने टाइप की वैलेंसीज होती है एक प्राइमरी वैलेंसी दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी उसी का क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने दो टाइप के तुमको एग्जांपल बताए थे एक बार CO क्या कर रहा था NH3 6 से बॉन्ड बना के बाहर Cl3 को रख रहा था और एक बार यही CO ऐसे काम कर रहा था मतलब जब मैंने NH3 का अमाउंट कम कर दिया था तो इसने दो Cl को अंदर लिया था और एक Cl को बाहर कर दिया था सही है तो इस केस में प्राइमरी वैलेंसी क्या है 3 सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6 इस केस में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है सही है लेकिन तुम लोग ध्यान दो इस केस में जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी थी ठीक है इस पे कोई भी चार्ज नहीं बन रहा था ठीक है कि नहीं पूरा का पूरा जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था वो किसके वजह से आ रहा था इन Cl के वजह से इस केस में भी यहाँ पे NH3 के वजह से कुछ नहीं हो रहा और ये तीन Cl के वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो रहा है सही है तो मतलब ये है ये जो दो Cl अंदर आए हैं ना ये लिगैंड की भी नेसेसिटी को पूरा कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर की भी सही है मतलब इन दोनों Cl के वजह से ऑक्सीडेशन नंबर भी मेरा बन रहा है और ये दोनों Cl एज अ लिगैंड भी काम कर रहे हैं राइट है
तो यहाँ पे जो सीएल है वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी भी काम कर रहा और एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर भी। समझ में आया? अब आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने का एक तरीका होता है, CONH3 6 CL3, सही है, और CONH3 3 CL2 और CO। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा का पूरा जो 6 है वो किसकी वजह से हुआ है? NH3 की वजह से, जबकि यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, लेकिन इसमें 4 NH3 के वजह से है और 2 CL के वजह से। यहाँ हाँ हाँ चारों, ठीक है, 4 NH3 और 2 CL। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ की भी कितनी है? 3 है, राइट ना? तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, मालूम है? कोबाल्ट तो क्या है? सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट को बीच में रख दो। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उनको ऐसे डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, NH3, मतलब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, NH3 के, और वो दे किसको रहा है? कोबाल्ट को। कितने? 6। तो 6 एरो से तुमको ऐसे NH3 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक, और जो प्राइमरी वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल है उसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, सीएल सीएल। और समझ में आया? तो जो एज अ लिगेंड काम कर रहे हैं वो एरो से रिप्रेजेंट किए जाएंगे या सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जो आयोनाइज होके ऑक्सीडेशन नंबर दे रहे हैं उनको डॉटेड लाइन से। बट इस वाले एग्जाम्पल में दिक्कत ये है कि कोबाल्ट जो है वो तो सेंट्रल में है, इसमें 4 NH3 हैं, तो 4 NH3 कैसे काम कर रहे हैं एज अ लिगेंड। लेकिन अब एक जो बाहर सीएल है वो तो पूरा कैसे काम कर रहा है? ये जो बाहर वाला सीएल है, दो ही सीएल अंदर आए ना, एक सीएल तो बाहर है, ये जो सीएल है ये कैसे काम कर रहा है एज अ प्राइमरी वैलेंस ही, तो इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये दो सीएल जो हैं ये एज अ लिगेंड भी काम कर रहे हैं और एज अ ऑक्सीडेशन नंबर भी, तो इनको ना तुमको दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एरो से भी और डॉटेड से भी, एरो से और डॉटेड से। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सीएल एज अ लिगेंड भी काम कर रहे हैं और एज अ ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर मैं इस सीएल के बारे में पूछूं तो ये कैसे काम कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, एज अ प्राइमरी वैलेंसी या फिर एज अ ऑक्सीडेशन नंबर? ये NH3 कैसे काम कर रहा है एज अ लिगेंड, प्योर लिगेंड, या एज अ सेकेंडरी वैलेंसी। समझा इनका डायग्राम कैसे बन रहा है? तो बोलो, दूसरा लेके चलते हैं अपन। जैसे मान ले कि मेरे पास है FeCN5 और यहाँ पे एक Br और बाहर Br2, सही है? तो Fe क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। ये जो CN5 है ये क्या है? प्योर लिगेंड्स है। या अगर मान ले यहाँ पे वाटर होता तो वाटर कैसा है? न्यूट्रल है, सही है? तो ये पांचों वाटर कैसे काम कर रहे हैं एज अ प्योर लिगेंड। लिगेंड मतलब कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वाली। तो वाटर, पांचों वाटर को मेरे को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सही है, एरो से। अब देख ये वाले जो दो बी आर हैं ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, मतलब ये प्योर कैसे काम कर रहे हैं एज अ प्राइमरी वैलेंसी या फिर एज अ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनको प्योरली हम लोग कैसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से, सही है? लेकिन देख ये वाला बी आर ऑक्सीडेशन नंबर भी जनरेट कर रहा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मतलब एज अ लिगेंड भी काम कर रहा है, राइट है?
तो इसको हम लोग एरो से भी रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे डॉटेड लाइन से भी, ताकि हमको पता चल सके कि ये वाला जो बी आर है एज अ सेकेंडरी वैलेंसी भी काम कर रहा है और एज अ प्राइमरी वैलेंसी। समझा? अब मैं अगर बोलूं कि ये बी आर कैसे काम कर रहा है बताओ, तो बता सकते हो क्या? एज अ ऑक्सीडेशन मोड, सही है, या फिर एज अ प्राइमरी वैलेंसी। ये वाटर कैसे काम कर रहा है? प्योर लिगेंड मतलब सेकेंडरी वैलेंस। समझा सबको? तो ये एक्चुअली में डिसाइड करते हैं लिगेंड्स की मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होगी। इसके पहले लिखा था ना तुम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। तो लिगेंड और प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से हमको दिखेगी। रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझा सबको? ठीक है, अगर मैं तुमको एक स्ट्रक्चर बना के दे दूं और बोलूं कि मेरे को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के बताओ, तो क्या तुम लोग बना सकते हो क्या? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe, फिर सही है, दो है ना इधर, ये दोनों देख, प्राइमरी वैलेंसी भी है सेकेंडरी। अच्छा, बाहर भी दो सी एल आएगा, बराबर, सही। समझा अभी? पक्का? तो अब ये एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा तेरे को, जो हम लोग थियरीज पढ़ रहे हैं उनके कंक्लूजन रिजल्ट, उसके पहले भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लिगेंड्स की डेफिनेशन, ठीक है, तो क्वेश्चन उनके ऊपर आएंगे। ये तुम्हारे समझने के लिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं, तो थोड़ा सा इस चैप्टर में तुमको आइडिया दिया गया है कि तुम लिगेंड और प्राइम ऑक्सीडेशन नंबर एटलीस्ट पहचान सको। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखो, जो नहीं समझेगा मुझे बताना। मुझे नहीं लगता अब तुम लोग स्ट्रक्चर देख के तो एटलीस्ट उसका पूरा स्ट्रक्चर बना ही सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए तो, है कि नहीं? तो मेजरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स को देखूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड, इनका नाम थोड़ा सा डेंजरस है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। होमोलेप्टिक और हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते क्या है? अभी तक हम लोग वही उसी में घूम रहे थे। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके सारे जो लिगेंड्स हैं वो सेम हो, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट को 6 लिगेंड्स चाहिए थे और 6 लिगेंड किसके हैं? NH3 के। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा, इसी एग्जाम्पल को मैंने आगे थोड़ा सा तोड़ के कैसे लिखा था, NH3 4 Cl2 और एक Cl बाहर। तो अब कोबाल्ट को अगेन 6 लिगेंड की ही रिक्वायरमेंट थी, बट 4 पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? NH3, और 2 पोजीशन पे कौन आ गया? Cl, मतलब जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट हो गए। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझा?
ये लिख लो, ये डेफिनेशन हम होमोलिप्टिक एंड हेटरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में देखो, एक मैंने तुम लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या हो सकता है, अपने पास कॉम्प्लेक्स कैटायन बन सकता है या कॉम्प्लेक्स एनायन बन सकता है, और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि दोनों भी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, राइट? याद है किसी को? अभी जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास CONH3 6 और Cl3, तो मुझे ये तो पता ही है ना कि जब ये डिवाइड होगा तो 3Cl माइनस में और ये CONH3 6 में, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। तो इसका जो ये जो एनायन बना है वो कैसा है, सिंपल है, राइट है। बट इसका जो कैटायन बना है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स, सही है, राइट। इन्हीं को हम लोग कैटायनिक, जब भी ऐसा बनेगा ना तो इसको ही कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, राइट। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बट इसी की जगह पे मैंने अगर तुमको ऐसे दिया होता तो अब ये कैसे ब्रेक होता, 3K+ FeCl6 ऊपर -3। अब मेरे पास जो कैटायन बना है वो कैसा बना है, सिंपल, बट अपने पास जो एनायन है वो कैसा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैटायनिक एनायनिक, और एक मैंने बताया था कि दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक बार में कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। एक चीज मैंने तुम लोग को नहीं बताया था, वो था नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है मालूम है, जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं कि मेरे पास CO H2O 6 का कंपाउंड है, खाली इतना ही है, CO H2O 6। अब वाटर अपने आप में ही न्यूट्रल लिगेंड है, सही है। तो इसके ऊपर, या अब ये तो किसी से डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो इस पे कुछ चार्ज आएगा क्या कभी, नहीं, ठीक है। तो फाइनली ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? तो अगर मैं तुमको बोलूं बेस्ड ऑन द आयनिक कैरेक्टर, अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर जब मेरे को क्लासिफाई करने को हुआ, तो मैंने कैसे क्लासिफाई किया इनको, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, सही है। बट यही क्लासिफिकेशन अगर मैं बोल दूं बेस्ड ऑन आयनिक नेचर, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, पहला कैटायनिक, दूसरा एनायनिक और तीसरा नॉन आयनिक। समझा? नॉन आयनिक बोलो या इनको बहुत लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लो चाहिए तो, कैटायनिक एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये पहले वाले कैटायनिक है, फिर एनायनिक, पीछे न्यूट्रल, लिखना इनको चाहिए तो एग्जाम्पल, और इधर तक ही लिखना नीचे का मतलब। हाँ, ये न्यूट्रल वाला लिखो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन मत लिखो,